हे गाइस, वेलकम बैक टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो है वीडियो नंबर 29 और इस वीडियो में हम देखेंगे रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स की ये सीरीज जो चल रही है उसमें हम 29th वीडियो पे आ चुके हैं और रेगुलर वीडियो में हम दो दो रूट को पकड़ के चलते हैं। तो आज के जो रूट वर्ड्स हैं वो है चार्ट और ड्यूबी। चार्ट और ड्यूबी से कौन कौन से नए वर्ड्स बनेंगे, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है चार्ट। चार्ट के साथ में हम दो वर्ड और डिस्कस करते हैं, कार्ड और कार्ट। देखिए तीनों का मतलब सेम ही रहता है, चार्ट, कार्ड और कार्ट। जहां पे भी ये तीनों जो रूट दिख जाएं, रूट मतलब कि या तो किसी भी वर्ड को बनाने में ये प्रीफिक्स का काम करेंगे या सफिक्स का काम करेंगे या बिटवीन द वर्ड्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी ये तीनों दिख जाए उनका मतलब कहीं ना कहीं शीट ऑफ द पेपर से होगा, यानी कि किसी भी पेपर के बारे में बात की जाएगी। क्लियर? तो फर्स्ट जो वर्ड बनता है वो बनता है चार्ट। देखिए चार्ट के दो मीनिंग है यहाँ पे। एक अगर हम नाउन के रूप में लेंगे, नाउन मतलब कि किसी चीज के नेम के रूप में लेंगे, और एक अगर हम वर्ब के रूप में लेंगे यानी कि किसी क्रिया के रूप में लेंगे, तो दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। क्लियर? तो चार्ट का जो मीनिंग है नाउन के रूप में वो है अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी जानकारी के विजुअल डिस्प्ले, यानी कि वो जानकारी जो हमें दिखाई दे रही है लिखित में, ठीक है। तो वो हो गया चार्ट, वो है नाउन के रूप में। नेक्स्ट है चार्ट जो वर्ड के रूप वर्ब के रूप में मीनिंग है, वो है कि मेक अ चार्ट ऑफ, जिससे चार्ट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है वो है चार्टेड। चार्टेड का मतलब है कि मैप्ड, कुछ भी चीज है जो मैप के रूप में, किसी भी चीज का जो मैप्ड फॉर्म है वो कहलाता है चार्टेड। नेक्स्ट वर्ड है कार्ड। कार्ड का मतलब भी नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में अलग अलग होता है। तो कार्ड जो है अगर वो नाउन के रूप में यूज किया गया, यानी कि नेम ऑफ अ थिंग कार्ड, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि स्मॉल सेट्स ऑफ पीसेस ऑफ स्टिफ पेपर मार्क्ड इन वेरियस वे एंड यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स एंड टेलिंग फॉर्च्यून्स, यानी कि छोटे छोटे पेपर्स, ठीक है, जो चिट बना के खेलते थे ना गेम्स में, और फॉर्च्यून्स उसके भाग्य के बारे में बताते हैं कि तुम राजा बने हो, तुम रानी बने हो, ऐसे ऐसे भी गेम्स होते थे हमारे टाइम में, तो उसको बोलते हैं हम कार्ड खेलना, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है कार्ड वर्ब के रूप में है, वो मतलब कि यानी कि फाइबर से जो अलग होता है वो है कार्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट है कार्ट। कार्ट भी एक रूट है, ठीक है, तो कार्ट से बना है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर, इसमें ई आर आ गया, तो ई आर यानी कि पर्सन की बात की जाएगी, ठीक है। तो कार्टोग्राफर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या बनाता है, जो मैप्स बनाता है। मैप्स तो सबको पता ही है क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी। ग्राफी यानी कि लिपि, किसी चीज को बनाने की लिपि, तो किस चीज को बनाने की लिपि? कार्टोग्राफी यानी कि मैप्स को बनाने के लिए भी या चार्ट्स को बनाने के लिए भी, उनका प्रोसेस वो कहलाता है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है कार्टून। कार्टून तो आपने बहुत सुना होगा, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जो मतलब कि एक कार्टून में, कार्टून क्या होता है, एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कितनी क्वांटिटी लिखी रखी हुई है वो होता है कार्टून, ठीक है। और कार्टून होता है कि ये कार्टून बनाया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं, वो होता है कार्टून। कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड क्या होता है? किसी भी गत्ते को हम बोल सकते हैं कार्डबोर्ड। क्लियर? नेक्स्ट है अनचार्टेड। देखिए इसमें रूट है चार्ट। अनचार्टेड एक ऐसी चीज, चार्ट का मतलब क्या होता है, चार्टेड का मतलब क्या था, मैप्ड, यानी कि एक ऐसी चीज जो मैप्ड, प्रॉपरली मैप्ड की गई है, लेकिन अन लग गया है, यानी कि एक ऐसी चीज जो मैप्ड नहीं हो सकती है या नहीं की गई है, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, खराब कर देना, फेंक देना, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड। क्लियर? पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड होता है मैसेज भेजना, एक कार्ड के रूप में जो हम पहले बोलते थे ना खत भेजना, एनवलप में खत भेजते थे, तो उसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबी। देखिए ड्यूबी जो रूट वर्ड है उसका मतलब होता है डाउट,
इसमें जब प्रोनंसिएशन करते हैं तो बी नहीं बोलते, बी जो है वो साइलेंट होता है, तो यानी कि इसका जो प्रोनंसिएशन होता है वो होता है डाउट, ठीक है। तो डाउट प्रोनंसिएशन में बी जो है साइलेंट है, लेकिन स्पेलिंग में बी आता है, तो प्रोनंसिएशन के साथ आपको स्पेलिंग भी याद करनी होगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो वर्ड है वो ड्यूबी से बना है, ड्यूबियस। ड्यूबियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो क्लेम करता है, जिसको कुछ ना कुछ बड़ा डिसबिलीफ होता है, किसी चीज पे हमेशा डाउट ही रहता है, वो पर्सन होता है ड्यूबियस। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इनड्यूबिटेबल। इनड्यूबिटेबल एक ऐसी चीज यानी कि जो अनसर्टेन है, जो बिल्कुल सर्टेनली है, जिसके बारे में आप कोई डाउट नहीं कर सकते हैं, अनक्वेश्चनेबल है, वो है इनड्यूबिटेबल। ड्यूबिटेबल का मतलब होता है जिसके बारे में आपको क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको डाउट होता है, लेकिन इसके आगे इन लग गया, यानी कि एक ऐसी चीज जो बिल्कुल सच है, जिसके बारे में कोई क्वेश्चन करने की गुंजाइश ही नहीं है। क्लियर। डाउट होता है शक, जब भी आपको किसी चीज के लिए डाउट होता है, शक होता है, तो उसे बोलते हैं हम डाउट। नेक्स्ट है डाउटफुल। डाउटफुल डाउट से ही बना है, यानी कि किसी चीज के प्रति आपकी अनिश्चितता शो करता है, शक शो करता है, वो होता है डाउटफुल। कोई काम है जो डाउटफुल है, कोई वर्क है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होने का डाउटफुल है। क्लियर। नेक्स्ट है डाउटलेस। डाउटलेस यानी कि इसमें लेस आ गया, यानी कि जिसमें कोई डाउट नहीं है, विदाउट डाउट। नेक्स्ट है डाउटलेसली, इसका मतलब भी सेम ही होता है कि जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, यानी कि कोई चीज जो निश्चित है। नेक्स्ट है ड्यूबिटी। ड्यूबिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति, देखिए इसके आगे ना अन लगा है ना इन लगा है, यानी कि उसका मतलब भी उसी से रिलेटेड है कि एक ऐसी स्थिति जहां पर एक पर्सन को किसी कार्य से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड बहुत सारे डाउट मन में होते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूबिटी। नेक्स्ट है ड्यूबिनियश। ड्यूबियसनेस, ड्यूबियसनेस, ठीक है। तो ड्यूबियसनेस का मतलब भी वही होता है जब आप किसी चीज के लिए अनश्योर होते हैं। अनडाउटली, देखिए इसके आगे क्या लग गया, अन, तो अनडाउटली यानी कि जिसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट है रीडाउटेबल। देखिए आपने सिर्फ एक रूट पकड़ा है, डाउट या फिर ड्यूबी। अब आपको पता चल गया डाउट का मतलब, तो आपको पता है, लेकिन ड्यूबी का जो मतलब है वो आपको अब पता चल गया कि ड्यूबी और डाउट दोनों ही सेम ही होते हैं। उनका मतलब होता है शक करना किसी चीज के लिए, हमारे मन में अनसर्टेनिटी होना। तो जब हमें एक चीज का पता चल गया, तो जब आपके पास चार ऑप्शन होंगे, तो आपको पता है कि इसका मीनिंग जो है कुछ कुछ इससे रिलेट कर रहा है, तो आप उसको करेक्ट ही मार्क करके आएंगे। तो री डाउटेबल का मतलब होता है रीडाउटेबल, यानी कि दोबारा से किसी चीज को पूरे ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि यू हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देयर पावर एंड स्ट्रेंथ किसी पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी आप उस चीज को बोलने से डरते हैं, यानी कि मन में कहीं ना कहीं डाउट है, लेकिन पर्सन जो है वो पावर में है, तो आप उसको बोलने से डरते हैं, वो होता है रीडाउटेबल, यानी कि उस पर संदेह करने की गुंजाइश थोड़ी थोड़ी हो सकती है, रीडाउटेबल दोबारा से, ठीक है। री का मतलब होता है दोबारा से। क्लियर। सो क्विज सेक्शन इज देयर, यहाँ पे आपको ये जो चार वर्ड्स हैं इसके मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं, डाउटली, डिस्कार्ड, पोस्टकार्ड और चार्ट। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और चार्ट, कार्ड, डिस्कार्ड और डाउट का या फिर ड्यूबी का मतलब आपको क्लियर होगा, और इनसे जोन जोन से वर्ड्स बनते हैं वो भी आपको क्लियर होंगे और आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।